प्रहार प्रतिशत तो मोदी जी ने किया। अरे मोदी क्या किए, मोदी अपने बीवी के साथ नहीं कह पाए तो प्रहार प्रतिशत कहाँ लगेगी उनकी, कहाँ है उनके पास प्रहार प्रतिशत। और मानवर क्या नाम है आपका? भवानी फेर। भवानी फेर नाम है, नाम बड़ा खतरनाक है। और ये भक्ति भी लिए हुए क्योंकि कंठी पहने हुए, और जो कंठी पहन लेता है वो झूठ नहीं बोलता है भाई साहब। और आज आज ये झूठ नहीं बोलेंगे, संत हैं, बिल्कुल सही बात बताएंगे। बिना झूठ बोले भाई काम न चले, राह दियो। ये बताइए, ये कंठी का झूठ पहन लेते हैं? हम झूठ बोले क्या करें, बोली झूठ बोले बिना काम यहाँ चले ना आपको। तो कंठी का पहन लिया? अरे कंठी हम अपने लिए पहने हैं, परमात्मा के लिए पहने हैं। अच्छा परमात्मा कहते झूठ बोलिए? नहीं परमात्मा ने कहा कि झूठ मत बोलो, तो हम कहाँ बोला इन जाता ने हमारी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत है अखिलेश यादव को भाई साहब? बहुत बड़ी मोहब्बत है हम लोगों को। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। की बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया इसलिए कह रहे लोग बीजेपी कोट करेंगे। भैया मंदिर से किसी का कल्याण नहीं होता है, यहाँ पे जो है बेरोजगारी है, बेरोजगारी और सांड दो चीज। अच्छा जब तक ये नहीं सुधार होगा इनमें तब तक यहाँ पे बहुत मुश्किल है बीजेपी जीतना। अयोध्या कैसे हार गई भाई साहब, लोकसभा कैसे हार गई? अरे भैया आप कैसे हार गए वो नहीं जानता हूँ। अच्छा इतना जानता हूँ गोरखनाथ बाबा जीतेंगे बस, हारने का कारण नहीं पता है? नहीं। तो जीतने का कारण कैसे पता होगा भाई साहब? यही मिल्कीपुर की जनता ने बीजेपी को हर बार हरवाया है भाई साहब। भगवान राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हूँ। अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा है और यहाँ पर है उपचुनाव। ये जगह कौन सी है? पीछे एक बैनर लगा है खान डेयरी फार्म, सातनापुर बाजार अयोध्या लगता है। पीछे तमाम सारे लोग बैठे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव इस बार क्या कहता है, भगवान राम की नगरी अयोध्या क्या कहती है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी या एक बार फिर से भाजपा? लोकसभा चुनाव में तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं जीत हासिल की, क्या उपचुनाव में अवधेश प्रसाद जीत का सिलसिला बरकरार रखेंगे या योगी आदित्यनाथ इस बार दौड़ मार ले जाएंगे? ये बताएगी जनता यहाँ की, अयोध्या की जनता से तिखार तिखार के पूछेंगे कि ये स्वर्गीय बाबू मिसेन यादव जी की पावन धरती है जी। और यहाँ जहाँ ये सैन परिवार रहेगा वहाँ का चुनाव विजय होगी। और समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी है आदरणीय आनंद सेन जी यादव जी, अखिलेश यादव जी जिसको घोषणा करके भेजे हैं, अभी अभी चुनाव हुआ, अवधेश प्रसाद के बेटे पर ठप्पा लग गया भाई साहब। सुनिएगा अभी चुनाव हुआ सत्ता में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को चुनाव नहीं हरा पाई और मिल्कीपुर में उपचुनाव फिर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा लोकसभा हराए हैं वैसे मिल्कीपुर में फिर हराएंगे हम इन लोगों को, निकाल देंगे भाजपा लोकसभा निकाल देंगे भाई साहब। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है यार, विकास की बात कोई करता है? कल में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? मंदिर तो दिल में है हमारे भी, यहाँ का राम असली अयोध्या में, यहाँ का राम, हम तो राम के दिल में है। यहाँ अगर विकास किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है और स्वर्गीय बाबू मिसेन यादव। प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं दिखता आप लोग? अरे यार मंदिर तो हमारे कड़ में है, मंदिर तो हम गरीबों के, यहाँ कहाँ मंदिर है भाई साहब, झूठ बोल रहे हैं। बात आम, हमारे मंदिर हमारे घर में बनी है। अच्छा हम लोगों के पैसे से मंदिर बनी है, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से मंदिर नहीं बनी है, ये तो हम लोगों की ओर से। लेकिन ठप्पा तो उसमें योगी जी का है ना? कुछ नहीं है यार, तेरे 500 वर्षों के बाद पूरे प्रदेश की बात है। महेश कुमार यादव या रावत कुर्मी क्या है? रावत जी बताइए, अवधेश प्रसाद सपा से कैंडिडेट के बेटे को मिला है इस बार फिर से, अयोध्या के बाद मिल्कीपुर की बारी इस बार है, क्या प्रभु श्री राम का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है या इस बार भाजपा के साथ है भाई साहब? माहौल दोनों पार्टी का है बराबर का, हम लोग यहाँ पर गोरखनाथ बाबा जीतेंगे बस। गोरखनाथ बाबा को टिकट नहीं मिलेगा भैया, जीतेंगे कैसे? टिकट मिल गया भाई साहब, भैया भाजपा डर रहे उनको टिकट मैदान में अयोध्या प्रदेश सामने ला नहीं गया है, टिकट मिल गया है आप टेंशन मत लो। अच्छा अयोध्या कैसे हार गई भाई साहब, लोकसभा कैसे हार गई? अरे भैया आप कैसे हार गए वो नहीं जानता हूँ। अच्छा इतना जानता हूँ गोरखनाथ बाबा जीतेंगे बस, हारने का कारण नहीं पता है? नहीं। तो जीतने का कारण कैसे पता होगा भाई साहब? यही मिल्कीपुर की जनता ने बीजेपी को हर बार हरवाया है भाई साहब, और आप कह रहे बाबा गोरखनाथ जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे कुछ बताइए तो, कहा जीत जाएंगे? अब वो टाइम आएगा तो देख लेना, टाइम आएगा। अभी तो अयोध्या में, अभी लोकसभा में टाइम तो अभी क्या 2-4 महीने तो पहले आ रहा था भाई साहब। बाबा का हेलीकॉप्टर चल रहा है, वो नहीं देख रहे हो? अच्छा हाँ वो हेलीकॉप्टर आ रहा है बार बार। अच्छा हेलीकॉप्टर, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर का उपचुनाव है? अभी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी, अब मिल्कीपुर का उपचुनाव है, सपा का या बीजेपी का किसका खराब रहेगा इस बार? यहाँ से तो हमेशा सपा जीतती रही है। अच्छा और इस बार भी उम्मीद है कि सपा ही जीतेगी। सपा ही जीतेगी।
लेकिन इस बार कह रहे प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है, उसका कुछ माहौल है कि बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया इसलिए कह रहे लोग बीजेपी वोट करेंगे। भैया मंदिर से किसी का कल्याण नहीं होता है, यहाँ पे जो है बेरोजगारी है, बेरोजगारी और सांड दो चीज। अच्छा, जब तक ये नहीं सुधार होगा इनमें तब तक यहाँ पे बहुत मुश्किल है बीजेपी जीतना। क्या माहौल है बस सपा का या बीजेपी का यहाँ पर? यहाँ पे सपा का है, सपा का माहौल है। भैया बता रहे बाबा गोरखनाथ इस बार जीतेंगे, भाई सब बता रहे हैं। अरे गोरखनाथ बाबा न जीती है यहाँ से, वही तो न जीती, बता तो है बगल में बता दो इनका, कहा थे गोरखनाथ बाबा न जीती है, भाई साहब बताइए। ये जिता दे हैं, ये जिता दे हैं। अरे इतना ना क्यों ना जीता, वो जो खान डेरी के नाम से इतना बोल रहा है, खान डेरी के नाम बता दियो हम पक। अरे हम पकड़े हैं, हां वो ना जीते हैं, कहे ना जीते हैं, क्या वजह है? अरे अब उनके लेके जाओ कोनो काम कहीं सुनबे नहीं करते तो वो जीती हैं यहां। अच्छा, आप वोटो दियो बाकी बात कहे जन, ये तो जनता गंगा जल उठा लिए तो विश्वास न करब। अच्छा, वही गोरखनाथ जोन है मिल्कीपुर में गए ने उनके आवास पे, उनसे कहा हमारे काम भाई कुछ कह दियो। अच्छा, तो जेके साथे गए उनसे कहीं कि अरे तो पब्लिक आए तो गंगा जल उठा लिए, तो इसके मतलब हम झूठ बोले थे, तो गोरखनाथ तो न जीती हैं, नहीं जीतेंगे। यानी इस बार फिर साइकिल यहाँ चलेगी भाई साहब? साइकिल तो चलेगी, चलेगी भाई साहब, साइकिल साइकिल चलेगी, रोक नहीं पाएंगे कोई। पार्टी जिंदाबाद, जय भाई साहब, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यानी मोहब्बत है अखिलेश यादव को भाई साहब? बहुत बड़ी मोहब्बत है हम लोगों को, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। अच्छा भाई साहब मोहब्बत अखिलेश यादव करते हैं भाई साहब? अखिलेश मुलायम सिंह यादव परिवार से मैं करता हूँ। अच्छा, उनके पूरे परिवार से मोहब्बत है? मोहब्बत दिल से मोहब्बत करते हैं, एकदम जान से मोहब्बत करता हूँ। प्रभु राम का मंदिर तो बीजेपी बनाए साहब की नगरी? देखो ऐसा है कोई अपने घर से लेके नहीं आया है। अच्छा, ये जनता है। हाँ। जनता के बीच बन गई है। हाँ। और जनता सब वहाँ जाएगी दर्शन करेगी। हाँ। जिसकी जो इच्छा है बनवा दिया, बनवा दिया, बनवा दिया, बनवा दिया, बस उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई नहीं पड़ेगा, चलेगी साइकिल एक बार फिर चलेगी, दौड़ेगी। ये भाई साहब और कौन बोलेगा भाई साहब? ये देखिए, आइए भाई साहब, कुछ नाम हमारे प्रेम मित्र, ये उन्हें का वोट दियो, अकेले अकेले दी चाहे पूरा गांव दी, हमारे ग्राम सभा मानू डिया। अच्छा, या ये सतनापुर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। कौन से? ये राम कुमार यादव जी। हाँ। और ये हम लोगों की कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे कुछ पुनः कहना चाहता हूँ, ये बात कहेंगे। भैया बताइए, राम कुमार अध्यक्ष जी क्या बात कहेंगे बताइए, जो दिल में है बता दीजिए, सब ऊपर तक पहुँच जाएगा भाई साहब। बात यही है कि यहाँ पे सांड वाला और बेरोजगारी दो मुद्दे बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा, और इसको 5 साल पहले जब वो गोरखनाथ जी हुए थे। हाँ। विधायक। हाँ। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया था यहाँ पे। हाँ, हाँ। कैंडिडेट अगर बदल जाएगा भाजपा से तो कुछ उम्मीद है। हाँ। और कैंडिडेट अगर नहीं बदलेगा। अच्छा, तो नहीं जीते। तो राम का, ये राम का मंदिर का मुद्दा भाई साहब नहीं यहाँ पर है? नहीं, राम कुमार यहाँ राम का मुद्दा कहाँ है? गले में प्रभु राम, प्रभु राम हमारे दिल में है पहले से। हम लोग तो राम को हमेशा मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी आज तक कहते आए ठगते कि हमने राम को लाया हूँ। राम को उसने कहाँ ला पाए, राम को तो हम लोग लाके बनवाए मंदिर। इतना बड़ा मंदिर बना भाई साहब, झूठ बनवाया? हम लोगों ने अपने पैसे से बनवाया, हम लोगों ने चंदा दिया, भाजपा कहाँ थी? प्राण प्रतिष्ठा तो मोदी जी ने किया। अरे मोदी क्या किया, मोदी अपने बीबी के साथ नहीं कह पाए तो प्राण प्रतिष्ठा कहाँ लगेगी उनकी? कहाँ है उनके पास प्राण प्रतिष्ठा? और मानवर अखिलेश यादव जी, मानवर मुलायम सिंह यादव जी। हाँ। आज जिसके पूरे प्रदेश में नाम है। अच्छा भाई साहब, ये और भी 1-2 लाख बचे, उसके बाद अपने सर्वे को समाप्त करेंगे। ये देखिए हमको भगवाधारी बाबा मिल गए, इधर आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? भानी फेर, भानी का राम है। और सबसे बड़ी बात यह है, बाबा का नाम क्या नाम बताएं? क्या नाम है आपका? भवानी फेर, भवानी फेर नाम है। नाम बड़ा खतरनाक है। और ये भक्ति भी लिए हुए क्योंकि कंठी पहने हुए, और जो कंठी पहन लेता है वो झूठ नहीं बोलता है भाई साहब। और आज आज ये झूठ नहीं बोलेंगे, संत हैं, बिल्कुल सही बात बताएंगे। बिना झूठ बोले भाई काम न चले, राय दियो। ये बताइए, ये कंठी का झूठ पहन लेते हैं? हम झूठ बोले कहाँ करें, बोले झूठ बोले बिना काम यहाँ चले ना आपको। तो कंठी का पहन लिया? अरे कंठी हम अपने लिए पहने, अपने परमात्मा के लिए पहने हैं। अच्छा, परमात्मा कहते हैं झूठ बोलिए? नहीं, परमात्मा ने कहा कि झूठ मत बोलो, तो हम कहाँ बोला इन जाता ने हमारा यहाँ जो बोला हम झूठ बोला करें बोली नहीं। तो ये चुनावी माहौल, चुनावी माहौल क्या कहता है? वो सब भैया चुनाव वाले बैठे, हम चुनाव से। कौन सा भाई साहब? ये है वो महल तुम्हारे बनाए थे नहीं बने है, वो उनकी माया थी तो बन गई। सही बात है। यादव पर अत्याचार हो रहा भाई साहब है तो सारे हम साहब कहा। चलिए, ये तमाम सारे लोग थे और लोगों से हमारी बातचीत हुई है।
मिल्कीपुर उपचुनाव क्या कहता है? प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हूँ मैं। क्या मिल्कीपुर उपचुनाव इस बार योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यहाँ से प्रभारी बनाया गया है और योगी जी की साख दांव पर लगी है? अगर यहाँ से योगी जी हारते हैं तो सवाल अब योगी जी पर उठेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव यहाँ से बीजेपी हार गई है। अब मिल्कीपुर चुनाव कौन जीतेगा? लोगों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।